पूरा वीडियो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, आज हम स्टेपर मोटर के बारे में स्टडी करेंगे और इसको हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो पहले मैं इसका कंटेंट्स देता हूं कि इसमें हमें कवर क्या क्या करना है या टॉपिक्स हम क्या क्या लेना चाहते हैं। तो इसमें है व्हाट इज स्टेपर मोटर, दूसरा है टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, तीसरा है स्टेप एंगल, स्टेप एंगल क्या होता है, और फोर्थ वन इज प्रोग्रामिंग कंट्रोलिंग व्हाट इज स्टेपर मोटर एंड वर्किंग। कंट्रोलिंग बाय पीएलसी, फाइव वन इज कंट्रोलिंग बाई एच एम ए, मतलब स्टेपर मोटर में हम पांच टॉपिक्स कवर करेंगे वन बाई वन में। पहले स्टेपर मोटर है क्या, वर्किंग क्या है इसका, और ब्लॉक डायग्राम। दूसरा है टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेप एंगल क्या होता है, और स्टेपर मोटर कंट्रोलिंग बाई पीएलसी, पीएलसी से कंट्रोलिंग हम किस तरह करेंगे उसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और एचएमआई से हम करेंगे तो इसका पूरा प्रोग्रामिंग। तो इसका हम दोनों की मैं लिख देता हूं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इसमें भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए पहले जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे जितना इसमें हो सकता है उतना हम इसमें कवर करते हैं। स्टेपर मोटर इज रोटेट्स बाय पल्सेस, स्टेपर मोटर पल्स के द्वारा रोटेट होती है, जबकि एसी मोटर में हम रेगुलर सप्लाई देते हैं, डीसी में रेगुलर देते हैं, पर इसमें पल्स जाती है। तो स्टेपर मोटर इज रोटेट्स बाय पल्सेस एंड इट रोटेट्स वन स्टेप एंगल इन वन पल्स, ठीक है। एक पल्स में एक स्टेप एंगल रोटेशन आता है। अब स्टेप एंगल क्या होता है, हाँ
स्टेप एंगल बेसिकली हम जब एक पल्स देते हैं मोटर को तो मोटर एक पल्स में जितना रोटेशन लेती है, एक पल्स में जितना रिवॉल्यूशन लेगी वो स्टेप एंगल होगा। इट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन इन वन पल्स गिवन बाय कंट्रोलर। हम पल्स जो देंगे कंट्रोलर से, एक पल्स में डिग्री ऑफ रोटेशन जो मिलेगा सो दैट की विल बी स्टेप एंगल। सो जो मोटर मार्केट में अवेलेबल्स होती हैं ज्यादातर उनके स्टेप एंगल्स होते हैं इसमें 0.45 डिग्री, 0.9 डिग्री और 1.8 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर 0.45 डिग्री स्टेप एंगल है तो एक रिवॉल्यूशन के लिए हमको जो पीपीआर रिक्वायर होंगे फॉर वन पीपीआर, पीपीआर मीन्स पल्स पर रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 0.45 इज इक्वल टू 800। यदि हमारी मोटर का स्टेप एंगल 0.45 डिग्री है तो मोटर के एक रिवॉल्यूशन के लिए 800 पल्स रिक्वायर्ड होंगी, और यदि हमारा स्टेप एंगल 0.9 डिग्री है तो फॉर वन पीपीआर या रिवॉल्यूशन में वो 360 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू 400 पल्स पर रिवॉल्यूशन, इसको हम पीपीआर कहेंगे, पीपीआर, ये भी पीपीआर। और यदि 1.8 डिग्री का स्टेप एंगल है तो फॉर वन रिवॉल्यूशन पल्सेस रिक्वायर्ड 360 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू 200 पीपीआर। तो फ्रेंड्स हमको ये मोटर की नेम प्लेट पे पहले डिफाइन होता है कि मोटर कितने पीपीआर की है, उसी से हम आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसमें हमारा तीन स्टेप एंगल जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो मैंने आप यहाँ पे मेंशन किए। टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर बेसिकली तीन प्रकार की होती है। नंबर एक परमानेंट मैग्नेट, नंबर दो वेरिएबल रिलक्टेंस, और नंबर तीन हाइब्रिड। ज्यादातर हाइब्रिड टाइप मोटर यूज होती है, इसमें क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, परमानेंट मैग्नेट का भी और वेरिएबल रिलक्टेंस का भी, इन दोनों को मिला के हाइब्रिड टाइप मोटर बनती है। तो फ्रेंड्स स्टेपर मोटर का जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली मीडियम टॉर्क के लिए करते हैं, हर लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है तब करते हैं। इसका मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं किस तरह हम कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर पहले हम कंट्रोलर लगाते हैं,
कंट्रोलर में आपका सीएनसी हो सकता है, पीएलसी हो सकता है, कोई भी कंट्रोलर अपने लगा लो। कंट्रोलर के से जो हमारा सिग्नल जाएगा वो जाएगा हमारा ड्राइवर, ये हमारा स्टेपर ड्राइवर होगा, स्टेपर ड्राइवर, और ड्राइवर से हमारा सिग्नल जाएगा स्टेपर मोटर। सो दिस इज स्टेपर मोटर। तो फ्रेंड्स इसका जो कंट्रोलिंग होती है, अगर हमको इसका फीडबैक लेना है, क्लोज लूप सिस्टम है तो यहाँ पे एनकोडर लगा देंगे हम, और एनकोडर का जो कंट्रोलिंग है और जो फीडबैक है वो हमारा सीधा कंट्रोलर पे आ जाएगा। हम डायरेक्ट कंट्रोलर पे ले सकते हैं और थ्रू ड्राइवर भी हम इसको ले सकते हैं, मतलब यहां से ले सकते हैं और इसको हम यहां से यहां लाके और थ्रू इसी के वायर के थ्रू हमारा कंट्रोलर तक भी आ जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसा कनेक्शन होगा वैसे आपको करना होता है, बट कंट्रोलर ही उसे कंट्रोल करेगा। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में किस तरह करते हैं। तो स्टेपर मोटर बेसिकली पोजीशन कंट्रोल मोड के लिए यूज होती है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल मोड के लिए इसका हम यूज नहीं करते, पोजीशन कंट्रोल मोड के लिए। हमने एक सपोज एक एग्जांपल लिया, ये वाली मोटर है और यहां पर हमने कपलिंग लगा दी और इसके साथ हमने एक बॉल स्क्रू ले लिया, दिस इज बॉल स्क्रू। और ऊपर हमने इसके नट लगा दिया और ये हमने स्लाइड, ठीक है। अब हमको जो ट्रैवल चाहिए वो बेसिकली ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक ट्रैवल चाहिए 100 mm, कितना चाहिए 100 mm। तो हमको 100 mm ट्रैवल जो चाहिए वो लीनियर चाहिए, है ना भाई, यहां से हमको यहां जाना लीनियर जाना है। तो मोटर का जो रोटेशन है वो तो रोटरी है, बट रोटरी टू लीनियर कन्वर्ट हम किसके थ्रू कर रहे हैं, स्क्रू और नट के थ्रू। सो दिस इज स्लाइड, ये हमारी स्लाइड हो गई और ये हमारा बॉल स्क्रू और ये हमारी कपलिंग। अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी, कि प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको 100 mm जाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल स्क्रू की पिच कितनी है, कितना है, मान लो हमने 10 mm बाल स्क्रू की पिच है, तो हमको नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो गए मोटर के, इज इक्वल टू 100 / 10 = 10, क्योंकि टोटल ट्रैवल कितना है 100 mm, बाल स्क्रू की पिच कितनी है 10 mm, तो एक रिवॉल्यूशन में हमको 10 mm लीनियर मोशन मिलेगा। तो अल्टीमेटली 100 / 10 तो हमारा 10 रिवॉल्यूशन हो गए। अब सर्वो मोड सॉरी स्टेपर मोड में ये बताया था कि हमको स्टेप एंगल का जानना बहुत जरूरी है, तो हमारा जो स्टेप एंगल होगा वो सपोज 1.8 degree है, हमारा स्टेप एंगल क्या है 1.8 degree। तो अब इसमें हम 1.8 degree का स्टेप एंगल ले रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली 1.8 degree के हिसाब से पल्स इसका जो पीपीआर होगा वो होगा हमारा 200 पल्स पर रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में 200 पल्स होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ पल्स कितना रिक्वायर्ड होंगी, नंबर ऑफ पल्स इज इक्वल टू
200 इंटू कितने रिवॉल्यूशन है? 10 10 10 = 2000 टोटल पल्स हमारी हुई जो हमको देनी है। तो ये अब इसमें हम 2000 पल्स देंगे, पल्स के साथ हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ये टोटल नंबर ऑफ पल्स हो गई। अब हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी या पीपीएस पल्स पर सेकंड। ये मान लो हमारी 500 पीपीएस है, मतलब हम जो पल्स डिलीवर कर रहे हैं वो 500 पल्स पर सेकंड दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमको टोटल पल्स कितना है हमारी 2000। तो हमको यहां से यहां तक ट्रेवल करना है तो टोटल पल्स 100 mm है, टोटल पल्स हमारी कितनी हो गई 2000। और टोटल टाइम जो लगा इसमें वो होगा हमारा 500 पीपीएस, तो 2000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 4 सेकंड। इस ट्रेवल को कवर करने के लिए टोटल 4 सेकंड लगेंगे यदि हम 500 पीपीएस के हिसाब से पल्स डिलीवर कर रहे हैं। तो अब इसको हम पीएलसी में प्रोग्राम बनाएंगे, तो पीएलसी में एक फॉर्मेट ब्लॉक आता है PLSY, तो हम यहां बनाएंगे पी, हमने मान लो कोई इनपुट लिया हाई करने के लिए सपोज X0, PLSY स्पेस S1 स्पेस S2 स्पेस Y0। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, इंस्ट्रक्शन है जो हमने ली है। इस इंस्ट्रक्शन में हाई स्पीड के लिए S1 जो है ना दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड S2 इज टोटल नंबर ऑफ पल्स। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो फॉर्मेट को अगर हम बनाते हैं तो हम यहां देखते हैं इसको X0 PLSY स्पेस फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 500 और टोटल पल्स क्या है हमारी 500 स्पेस 2000 स्पेस Y। ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल के साथ स्टेपर मोटर को चलाएंगे और हम HMI से भी स्टेपर मोटर को कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो आप वॉच करते रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और भी हम वीडियो देंगे। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो कृष्णा ऑटोमेशन की KITC.in वेबसाइट पर जाके आप सर्च करें, तो अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।